भारती कविता महायज्ञ का जो एक अनुष्ठान पूर्ण हुआ है द मैजिक मैन एन चंद्रा के पटल से। तो एन चंद्रा पटल के निदेशक जो हैं नरेश जी, जो इस कार्यक्रम को पटल को देखते हैं, इस कार्यक्रम के निदेशक महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रमुख निदेशक महोदय और सह निदेशक महोदय सभी यहाँ विराजमान हैं, सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी। और मैं यही कहूँगी कि जिंदगी है देन खुदा की, जीने का हक मेरा है। पांव जमीन पर है लेकिन आसमां छूने का हक मेरा है, और वो हक दिया है हमें द मैजिक मैन एन चंद्रा पटल ने और इनके आदरणीय नरेश चंद्र जी के छोटे से बीज विचार ने, और उस बीज विचार ने इतना बड़ा विशाल वृक्ष स्थापित कर दिया है कि उसको अब एक ऐसा ये विश्व कीर्तिमान बन गया है, कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मैं आपको बहुत 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 दिल से कहना चाहूंगी कि ये जो विश्व कीर्तिमान बना है ये तो सभी के समक्ष है कि यह एक अनुष्ठान जो काव्याग्नि जिसमें जली थी और वो काव्याग्नि हस्तांतरित होती रही प्रत्येक कवि हृदय को, और वह काव्याग्नि अंतिम कवि हृदय तक जलती रही और वह अभी भी वह काव्याग्नि बुझी नहीं, वह सदैव और सदैव जलती रहेगी। मैं कहूंगी कि ये जो विश्व कीर्तिमान बना है सबके समक्ष है, लेकिन इस विश्व कीर्तिमान के 15 दिवस पूर्व का जो समय था वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण, बहुत अधिक, सिर्फ और सिर्फ संकल्प, समर्पण, सेवा और कर्म जो रहा उसके प्रति, सुकर्म जो रहा उसके प्रति, वही आज यहाँ तक लेकर के आया है। और ये केवल एक व्यक्ति का नहीं था, ये केवल, अगर मैं व्यक्तिशः इस बात को कहूँ तो ये केवल मेरा नहीं था, ये हम पूरी टीम का था। और बहुत बहुत विलक्षण बात है, मैं बहुत इस बात के लिए अभिभूत हूँ और आश्चर्यचकित हूँ, और आप सब भी बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि ये जो कार्य हुआ, इस टीम को हम एक दूसरे से कभी नहीं जानते थे। ये बिल्कुल डॉक्टर हरीश नवल साहब को कभी नहीं मिले, पूनम जी को कभी नहीं मिले, मैजिक मैन को कभी नहीं मिले, ये जो रेणु जी हैं, सुनीता जी, कभी कभी हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी एक ऐसे सूत्र में बंद करके, एक भाव में बंद करके हम सब लोगों ने काम किया। और आज जब मिले तो लगा ही नहीं हम दूसरे को जानते नहीं थे, कि हमने एक दूसरे को देखा नहीं था, ऐसा लग रहा था हम तो बस अजीबों से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे गले मिल रहे थे, ऐसे सबके भाव उमड़ कर आ रहे थे जैसे हम बहुत समय से जानते हैं। तो मैं प्रणाम करना चाहूंगी बहुत बहुत हृदय से उन क्षणों को, नहीं जो कि विश्व कीर्तिमान स्थापित करने में 15 दिवस के रहे हैं, उससे पूर्व के उन एक महान क्षणों को जो कि हमने पटल पर प्राइम टाइम पर प्रीमियर शो में रात 9 से 12 बजे के किया है। सच में कहूंगी कि हमारे परिवार के लोग हमारे साथ, ये हमारा काम नहीं था, मैं सच कहूंगी रेणु जी का अकेले का नहीं था, मेरा नहीं था, सुनीता जी का नहीं था, या भूमिका जी, ममता जी का, एक अकेले किसी व्यक्ति का काम नहीं था, हमारे परिवार के साथ जितने लोग थे उन सब का काम था, उन सब ने हमारे साथ सहयोग किया कि हमारे घर की घंटी का बटन स्विच ऑफ रहता था, ये घंटी ना बज जाए प्रोग्राम के दौरान, बिल्कुल लाइव के समय कि हमें ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ पर वाईफाई पूरा मिले, जहाँ नेटवर्क पूरा मिले और 6 घंटे तक हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। और इवन कि जब हम मीटिंग्स ले रहे हैं शाम को, रात को 8 बजे से 9 बजे से 12-1 बजे तक, उस समय हमारे परिवार वाले टेबल पे खाना लगा के रखते थे, कि आप लोग, हम कई बार मीटिंग करते करते खाना खाते थे, तो वो क्षण जब याद आते हैं तो सच में आंखों में पानी आ जाता है। और ये क्षण हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं जो आज आपके समक्ष है, मैं सच कहूंगी आप सभी क्षण के साक्षी हैं केवल, लेकिन उस क्षण के जो हमने 15 दिवस पूर्व बिताए हैं वो ये पूरी टीम जो यहाँ खड़ी है वो साक्षी है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करती हूँ और अपनी नींदों पंक्तियों से समाप्त करूंगी कि अपने एहसास को शिद्दत से जगा कर देखो, हदे जुनून तक कसरत को बढ़ा कर देखो, मिटा कर खुद को ही कोई मुकाम मिलता है, किसी मंजिल के लिए पांव उठा कर देखो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और अब यहाँ पर हम जिनका नाम ले रहे हैं उनको यहाँ पर बुला